Welcome to Online Ventures powered by Examper, the one stop solution. आ जाइए सारे लोग, जो लोग ऑनलाइन हैं जल्दी जल्दी आ जाइए। जय हिंद। प्रशांत जी, प्रियांशु नाग जी, भावना जी, अंकित जी, अमित कुमार जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। भाई जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू कर दीजिए, कौन कौन लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, ताकि सेशन को शुरू किया जा सके। आप लोगों के लिए एक विशिष्ट जानकारी, सेशन को शुरू करने से पहले CDS 2021 को ध्यान में रखते हुए कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, Aspire CDS 2021। ये कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है। इसमें डेली आपको लाइव क्लासेस, PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराए जाते हैं, और ये पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 1999 रुपए में आपको अवेलेबल है। इस कोर्स की शुरुआत 16 अगस्त से हो चुकी है, सो डिले नहीं करिए, कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.examper.com पर जाएं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 9873111552 पर, या आप हमें व्हाट्सएप करें 8448116245 पर आप हमें व्हाट्सएप करें। साथ ही OTA की तैयारी करने वालों के लिए भी कोर्स लॉन्च किया गया है, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है Aspire OTA 2021, सिर्फ 1499 रुपए में, 1499 में मात्र। इसमें भी आपको डेली लाइव क्लासेस, PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराए जाएंगे, और डेडिकेटेड डाउट सेशन भी लिए जाएंगे। सो इस कोर्स को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, या आप हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। साथ ही सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद नीलेश जी, छवि जी, अंकित जी, अमित जी, मिहिर जी, प्रियांशु जी, दीपिका जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, और आप लोगों के सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सा। व्हेन अ वॉल्केनो इजेक्ट एसिड लावा द इरप्शन इज यूजुअली, जब किसी ज्वालामुखी से अम्लीय लावा निकलता है तब विस्फोट होता है। आपके ऑप्शन है लाइट एंड लेस वायलेंट, हल्का और कम आवाज वाला, सॉफ्ट एंड लेस वायलेंट, नरम और कम आवाज वाला, लाउड बट लेस वायलेंट, बेहद जोरदार लेकिन कम नुकसानदेह, लाउड एंड मोर वायलेंट, तीव्र और बेहद ज्यादा नुकसानदेह। भाई आप लोगों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। देखिए एसिडिक लावा की बात करें, एसिडिक लावा का मतलब होता है कि उसमें सिलिकॉन की मात्रा वह जो है बेहद कम है। अब सिलिका की मात्रा कम है तो बहुत ज़्यादा विस्कस होगा, बहुत ज़्यादा विस्कासिटी होगी, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, वह बहुत तेज़ विस्कासिटी ज़्यादा है तो ऊपर की सतह पर जम जाएगा। अब जम जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत तेज धमाके के साथ आवाज होगी और बहुत वायलेंट रिएक्शन देगा ये। सो डी इज द राइट आंसर, फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, लाउड एंड मोर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा, बहुत आसान सा सवाल था, पहले सभी लोगों का गलत था, हालांकि बाद में सबने उत्तर को सुधारा और सबका सही है। तो प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद उसके गुण धर्मों पर विचार करिए और तब उत्तर दीजिए, ताकि उत्तर गलत ना हो। जय हिंद अमल नायब जी। चलिए आप लोगों से अगला प्रश्न। इन सम इरप्शंस मड फ्लो आर फोर्स्ड ओवर द, कुछ विस्फोटों में कीचड़ का बहाव बाहर निकलता है, कहां से? फ्रॉम अर्थ मेंटल, ओशियन बेड्स पृथ्वी के प्रावार से, ओशियानिक बेड समुद्र तल से, अर्थ सरफेस से पृथ्वी की सतह से,
आर अर्थ कोर पृथ्वी की कोर से। कभी कभी क्या होता है विस्फोट से मड फ्लो भी आउट होता है, वह कहां से बाहर है। चलिए आंसर करना शुरू करिए। अर्थ मेंटल, ओशियन बेड, अर्थ सरफेस, अर्थ कोर आपके ऑप्शन हैं। उत्तर जल्द से जल्द करें। आसान प्रश्नों के उत्तर तो जल्द से आने चाहिए आप लोगों के। देखिए बिल्कुल सही है, अगर हम बात करेंगे मड फ्लो की, कीचड़ के फ्लो की बात करेंगे तो वह हमेशा अर्थ सरफेस से होगा, पृथ्वी की सतह से होगा। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड जो है वह करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मड फ्लो की बात कर रहा है, कीचड़ का बहाव हमेशा पृथ्वी की सतह पर जो मिट्टी है वह कीचड़ में तब्दील होगी और उससे जो है ये फ्लो होगा। अगले सवाल पर आते, द मैग्मा विच इज फोर्स्ड इनटू द अर्थ सरफेस इज नोन एज। मैग्मा का वह हिस्सा जो पृथ्वी की सतह पर आने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। आपके ऑप्शन है वेंट, कोन, लावा, मैग्मा चेंबर। वेंट, कोन, लावा, मैग्मा चेंबर। वेंट अवनालिका, कोन यानी शंकु, लावा और मैग्मा चैम्बर यानी मैग्मा कच्छ। चलिए बहुत आसान सा सवाल, यहाँ पर तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। अगर हम बात करें अर्थ सरफेस पर आने के बाद मैग्मा को हम क्या कहते हैं, जो मोल्टन फॉर्म में राख होती है उसको हम कहते हैं लावा। सो अर्थ सरफेस पर जैसे ही मैग्मा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे, और ये एक्सट्रूसिव स्ट्रक्चर बनाएगा, वाय संरचनाओं का निर्माण करेगा। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर देने के बाद उत्तर बदल लिया और उनके उत्तर गलत हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया था पहले लेकिन बाद में उत्तर बदल दिया और उनके उत्तर गलत हो गए। अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए, ठीक है। आते कुछ अलग से सवालों को लेकर के, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट वोल्केनो इज, संयुक्त प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। कंपोजिट वोल्केनो का उदाहरण कौन सा है, आपके ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, पोएडे डोम, मोनालोवा या माउंट मेरापी। कंपोजिट वोल्केनो का उदाहरण है। गुड आफ्टरनून ए के वर्मा जी, अनिल वर्मा जी गुड आफ्टरनून। माउंट एवरेस्ट, पाइडेडोम, मोनालोवा या माउंट मेरापी, कंपोजिट वोल्केनो का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से। भाई कई सारे लोग तो यूनिक नाम की तरफ भागे और कई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से आंसर दे रहे हैं जो उनका सुना हुआ लग रहा है, ठीक है। तो कई सारे लोग जो है वो सुने हुए नाम की तरफ भाग रहे हैं, कई अनसुने नाम की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसा ना करें। श्योर नहीं है तो कमेंट करें कि नॉट श्योर। भाई अगर आप श्योर नहीं हैं तो यहाँ पर वोल्केनो की क्लास ले लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। माउंट मेरापी इज द राइट आंसर, कंपोजिट वोल्केनो का एग्जाम्पल है माउंट मेरापी, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। वोल्केनो के ऊपर मैंने क्लास ली हुई है और डिटेल में वहाँ पर ज्वालामुखी को समझाया है, सो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अगले सवाल पर आते, विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेक्कन ट्रैक फॉर्मेशन इन द इंडियन पेनिनसुलर रीजन। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दक्कन ट्रैप के निर्माण के लिए किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है शील्ड, फ्लड, कंपोजिट या कालडेरा। शील्ड, फ्लड, कंपोजिट या कालडेरा किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट उत्तरदायी है।
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और तब उत्तर देखते हैं कि कितने लोगों का उत्तर सही रहता है। डेक्कन ट्रैप, चलिए आंसर करिए गाइस। यहां पर बहुत सारे लोगों का जो है आंसर वह देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो है बगैर सोचे समझे उत्तर देते चले जा रहे हैं। जो लोग बगैर सोचे समझे उत्तर देते चले जा रहे हैं उन सभी लोगों का उत्तर गलत है। आंसर यहां पर होगा फ्लड। देखिए होता क्या है कि इसको समझिए, बी इज द राइट आंसर फ्लड। फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, इसमें हाईली फ्लूइड लावा होता है जो कि काफी दूरी तक फैलता है, भस्मीय लावा होता है, बेसिक लावा होता है। कल वाली कहानी ये इस हफ्ते की आप लोगों की पूरी खराब है। जियोमॉर्फोलॉजी के मैं जब से सेशन लेना शुरू किया हूँ पूरी की पूरी कहानी खराब हुई पड़ी है पूरे लोगों की। यहाँ पर जैसे ही बेसिक लावा आएगा वह फैल करके जमाव लेगा और वह फ्लड टाइप का बहाव लेगा और काफी दूर तक 50 मीटर से ऊपर का थिकनेस ले लेगा और इसीलिए जो है बी इज द राइट आंसर। ठीक, ऑनलाइन वेंचर के आप लोग चैनल पर आ जाइए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, आपको चीजें मिलती रहेंगी। अगले सवाल पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी के विस्फोटों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है। बेसाल्टिक इरप्शन अकर एट द मिड ओशियानिक रिज एंड एसिडिक इरप्शन अकर्स एट द वोल्केनिक आर्क एंड माउंटेन्स। भस्मीय लावा का विक्षेपण मध्य महासागरीय कटकों में और अम्लीय लावा का विस्फोट ज्वालामुखी सिराओं पर पर्वतों पर होता है। एंडेसिडिक इरप्शन इज मोर फ्लूइड एंड मोबाइल देन बेसाल्टिक इरप्शन। एंडेसिटिक का विस्फोट यह भस्मीय से ज्यादा तरल और प्रवाहमान होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन को चुने। आपके ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट फास्ट आ जाइए भाई, आप लोग जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करिए और आंसर करिए। जिन लोगों ने पिछले प्रश्नों का आसान जो मैंने इलेबोरेशन किया अगर उसको समझा होगा, ढंग से उस पर ध्यान दिया होगा, केवल उत्तर दे करके गायब नहीं हो गए होंगे, तो उन लोगों का यहां पर सही होना चाहिए। लेकिन जो लोग पिछले प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से नहीं समझे वह जो है इस प्रश्न में गायब हो जाएंगे, इस प्रश्न में उनकी कहानी लगनी तय है। हर उस व्यक्ति की इस प्रश्न में कहानी खराब होनी तय है जिसने पिछले कुछ प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से नहीं पढ़ा। चलिए आंसर करिए। देखिए बेसाल्टिक इरप्शन की बात करें तो मध्य अटलांटिक उभार या महासागरीय उभारों पर होता है और एसिडिक या वोल्केनिक आर्च और माउंटेन्स पर होता, बिल्कुल सही कथन है। लेकिन ये जस्ट अपोजिट लिख दिया गया है, बिल्कुल गलत लिख दिया गया है। सो ए इज द राइट आंसर, वन ओनली, केवल एक सही है। वन ओनली ए इज द राइट आंसर, केवल एक सही है। यहां पर ध्यान में रखिए बेसिक लावा वह ज्यादा फ्लडी होता है, बहुत ज्यादा दूर तक फैलता है, समझ में आया। जो भस्मीय लावा है वह दूर तक फैलता, अभी डेक्कन ट्रैप को एक्सप्लेन करने में मैंने डिटेल में समझाया था। अगले सवाल पर आते हैं,
Which of the following term regarding intrusive volcanic landform are correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृतियों के लिए सही सुमेलित है? सिल लावा सॉलिडिफाइड्स ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, लावा का जमीन के लंबवत जमाव लेना। फैकोलिथ फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन ऑफ द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन, अभनत के निचले हिस्से पर पाया जाने वाला उभार फैकोलिथ। लैकोलिथ व्हेन लावा सेटल इन अ सासर शेप व्हाइल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल वीक प्लेन, लावा का एक तस्तरी नुमा जमाव जब वह क्षैतिज तल पर प्रवाहमान होता है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुने। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुने। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड थ्री, ऑल आर करेक्ट। कमेंट फास्ट, एक बेहद आसान सा सवाल है, यह भी पिछले प्रश्नों में आपके निहित है, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आंसर करिए गाइस। जल्दी से आंसर करिए। पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ये ध्यान रखे रहिएगा। पूछ रहा है कौन कौन सा गलत है। इसको ध्यान में रखे रहिएगा। प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, पूछ रहा है कौन कौन सा इनकरेक्ट है। प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण कहानी हो गई खराब बहुत सारे लोगों की। देखिए, अब यहां पर अगर हम बात करें, सिल या परपेंडिकुलर नहीं होता है, या क्षैतिज जमाव होता है। परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको हम डाइक कहेंगे। तो पहला कथन वो इनकरेक्ट है, दूसरा बिल्कुल सही है, सिंक्लाइन टॉप पर और एंटीक्लाइन पर होता है फैकोलिथ, ये सही है। ठीक, लैकोलिथ का मतलब होता है लावा जो है वह हॉरिजॉन्टल वीक प्लेन पर नहीं हो, परपेंडिकुलर हो, यानी तीसरा भी गलत है। सो सी इज द राइट आंसर, वन एंड थ्री आर इनकरेक्ट, एक और तीन गलत हो जाएंगे। पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है, आप में से कई सारे लोगों ने प्रश्न को पढ़ा नहीं, आंसर लगा दिया कौन सा करेक्ट है। अब यहां पर आइए अगले प्रश्न पर। दो सूचियां दी गई हैं, दो लिस्ट दिया गया है, और उनको उनकी डिफिनीशन से मिलाना है और करेक्ट आंसर देना है कोड से चुनकर। कालडेरा, दक्कन ट्रैप, डाइक और प्लूटोनिक रॉक, इनको डिप्रेशन बाय एक्सप्लोसिव वोल्केनो, लावा सॉलिडिफाई परपेंडिकुलरली, कूलिंग इन द क्रस्ट, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। कमेंट करना शुरू करें। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बेहद आसान है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस बार सभी का उत्तर सही होना चाहिए, इस बार सभी का उत्तर सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट फास्ट। देखिए यहां पर आंसर करना शुरू करिए, और पिछले प्रश्नों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा इसीलिए मैंने कहा कि ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कालडेरा,
कालडेरा यानी बिग क्रैटर, ज्वालामुखी के शीर्ष पर बने हुए बहुत बड़े क्रैटर को, जो कि एक्सप्लोसिव वोल्केनो में बनता है, कई सारे इसमें क्रैटर बनते हैं, ऐसे बड़े क्रैटर को हम कालडेरा कहते हैं। फॉर एग्जांपल आसो कालडेरा जापान। डेक्कन ट्रैप की अगर हम बात करें तो यह फ्लड बेसाल्टिक प्लेन है, जो कि फ्लड बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। ठीक, इसके अलावे अगर हम बात करें डाइक, ये परपेंडिकुलर जमता है। जब मैंने सिल को बताया था तो वहां पर डाइक की डिफिनीशन बताई थी। प्लूटोनिक रॉक जो आकर के क्रस्ट पर जम जाती है, उनको प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। सो यहां पर बी इज द राइट वन, बी जो है आपका सही आंसर है। आंसर बी इज द राइट वन, यहां पर बी जो है वह सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन टू इंड्यूस एज अर्थक्विक। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थक्वेक को बढ़ाने का कारण नहीं है? री इमर्जेंस ऑफ ओल्ड फ्रैक्चर्स इन द क्रैटन, स्मॉल प्लेट्स फ्रिक्वेंट इंट्रैक्शन इन द मेडिटेरेनियन सी, छोटी छोटी प्लेटों का लगातार भूमध्य सागरी प्लेट में क्षेत्रों में टकराना, ह्यूमन इंड्यूस्ड डीप सी माइनिंग एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, मानव द्वारा गहरे समुद्रों में खुदाई करना और नाभिकीय प्रयोग करना। ऑल ऑफ द अबव कैन बी प्रोबेबल रीजन टू इंड्यूस क्वेक, उपरोक्त में से सभी भूकंप के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। चलिए उत्तर करिए, बहुत आसान सा सवाल। यहां पर तो इतना आसान है कि सबका सही होना चाहिए। ये यह प्रश्न इतना आसान है कि मैं उम्मीद करता हूं कि यह सबका सही होगा। देखिए, भूकंप के आने के कारणों की अगर हम पड़ताल करें तो पुराने प्लेट का टूटना यह भी कारण है। भूमध्य सागरी क्षेत्रों में छोटी छोटी प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, यह भी कारण है। और अनकंट्रोल्ड माइनिंग या परमाणु बम का विस्फोट होगा तो भी, यानी सभी, ऑल ऑफ द अबव डी इज द राइट आंसर। यहां पर आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न यहां पर, ठीक, अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आर करेक्ट। प्रशांत महासागरी अग्निवलय के विषय में कौन से कथन सत्य है? द रिंग ऑफ फायर इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, दैट इज मूवमेंट एंड कोलिजन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट। अग्निवलय का निर्माण प्लेट विवर्तन की प्रक्रियाओं के सीधे परिणाम है, जो आपस में सतही स्तर पर टकरा गए। इट इज अ मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव रीजन ऑफ द वर्ल्ड, एज अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक अकर अलॉन्ग द रिंग ऑफ फायर। यह भूकंपीय दृष्टिकोण से विश्व का सर्वाधिक उन्मत्त क्षेत्र है, जिसमें दुनिया के 90% भूकंप इसी के आसपास आते हैं। द एक्टिव सिस्मिक रीजन ऑफ इंडियन हिमालय ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहां पर हिमालय का जो भूकंपी क्षेत्र है वह भी प्रशांत महासागरी रिंग ऑफ फायर अग्निवलय का हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। चलिए लाइक और शेयर करिए, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए सेशन को। बेहद आसान सा सवाल है ये, बेहद आसान सा सवाल है, और इतने आसान से सवाल पर तो गलत नहीं होना चाहिए। अभी तो आसान सा सवाल है, अगले सवाल को थोड़ा टफ बनाते हैं।
ठीक है, अगले सवाल पर देखते हैं। बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी प्लेट टेक्टोनिक्स का परिणाम है। यहाँ पर प्रशांत महासागरी प्लेट कई सारी प्लेटों से टकराती है, इसके अलावा दुनिया के 90% भूकंप यहीं पर आते हैं, सो ए एंड बी आर करेक्ट। हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नहीं बल्कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यह जब जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई है तब जो है बन करके आया है, सो डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। अगले सवाल पर आते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इनको आपको करेक्ट आंसर मिला करके ढूंढना है। ज्वालामुखी और उनके टाइप दिए हुए, सिंडर कोन, कंपोजिट कोन, हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म, मेडिटेरेनियन वॉल्केनिज्म। सिंडर शंकु, संयुक्त शंकु, हॉट स्पॉट ज्वालामुखी तंत्र या भूमध्य सागरीय ज्वालामुखीयता, इनको आपको मिलाना है माउंट फ्यूजी, पार्क्यूटिन, माउंट पार्क्यूटिन, माउंट एटना, री यूनियन द्वीप। चलिए आंसर करिए गाइस। अब आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग अब सही आंसर करते हैं। ठीक, कितने लोग अब सही आंसर करते हैं वो देखते हैं। बिल्कुल, अगर हम सिंडर कोन की बात करें तो माउंट पारिक्यूटिन, कंपोजिट कोन की बात करें तो माउंट फ्यूजी जो कि ढेर सारे कंपोजिट कोन बनाता है, हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म की बात करें तो रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन द्वीप या हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म का है, इसके अलावा हवाई आइलैंड भी हॉट स्पॉट का एग्जांपल है, और मेडिटेरियन क्षेत्र में इटली में है माउंट एटना। सो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, 2, 1, 4, 3 बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हाइल मैग्मा थर्स्ट टू सरफेस कूल एंड सॉलिडिफाई विद इन क्रस्ट। आंतरिक चट्टानों का निर्माण तब होता है जब मैग्मा का उछाल सरफेस के पास तक होता है और वह सरफेस के भीतर, सतह के भीतर ही ठंडा और कठोर हो जाता है। प्लूटोनिक रॉक्स आर एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, प्लूटोनिक चट्टाने या बहिर्जात भू संरचनाएं हैं। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाई इधर प्लूटोनिक आर वॉल्केनिक एक्टिविटी। आग्नेय चट्टाने या तो प्लूटोनिक या ज्वालामुखी सक्रियता के परिणाम है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, निम्नलिखित दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें। ओनली टू, वन एंड थ्री, टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, उपरोक्त में से सही कोड का चयन करें। यहां पर तो कहानियां बहुत सारे लोगों की खराब। बहुत सारे लोगों की कहानियां यहां पर खराब होनी तय है। अगर पिछले प्रश्नों का उत्तर उन्होंने पढ़ रखा होगा तो यहां पर वह ठीक ठाक रहेंगे, नहीं तो कहानियां खराब होनी तय। चलिए यहां पर आंसर देते हैं आप लोगों को। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, आप लोगों का बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर, गुड। इस बार जो है ट्रैप में नहीं आए, हालांकि कुछ लोग ट्रैप में फंसे और उत्तर बदल दिए। बी इज द राइट आंसर, वन एंड थ्री आर करेक्ट। प्लूटोनिक ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंट्रूसिव है, तो ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं। प्लूटोनिक की अगर हम बात करें तो ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, आंतरिक संरचना है, ठीक है, बाकी जो है कथन सही है, बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स,
निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक भू संरचना है? सिल, डाइक। करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स, निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करें। कौन सी आंतरिक संरचना है? ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए गाइस। चलिए कमेंट करिए गाइस, लाइक और शेयर भी करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए यहां पर आंसर बताते हैं आप लोगों को। बिल्कुल सिल की बात करें तो जमीन के भीतर क्षैतिज रूप में जमाव लेगा तो सिल बनेगा, और जमीन के भीतर या जो है लंबवत जमाव लेगा तो डाइक बनेगा। दोनों इंट्रूसिव संरचनाएं हैं, दोनों आंतरिक संरचनाएं हैं। सो सी इज द राइट आंसर, बोथ आर इंट्रूसिव, दोनों आंतरिक संरचनाएं हैं। जमीन के भीतर ये दोनों बनती हैं, जमाव लेती है, मैग्मा द्वारा बनती है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। लाइकोलिथ आर सासर सेप्ड इग्नियस इंस्ट्रक्शन, लोपोलिथ डोम सेप इग्नियस इंट्रूजन, फैकोलिथ लेंस सेप इग्नियस इंट्रूजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करें। लैकोलिथ या तस्तरी नुमा आग्नेय चट्टान जमाव है, लोपोलिथ या गुंबद नुमा आग्नेय जमाव है, और फैकोलिथ या लेंस नुमा आग्नेय जमाव है। कौन सा करेक्ट आंसर है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? सही उत्तर का चयन करें। यहां पर सही उत्तर का चयन करें। भाई पिछले प्रश्नों को आप लोगों ने जब मैं कायदे से देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, केवल प्रश्न और उत्तर, आप लोगों को उत्तर पता चल जा रहा है, उसका इलेबोरेशन ध्यान में नहीं रख रहे। क्योंकि मैं इलेबोरेट इसलिए कर रहा हूं कि जो कथन दिए हुए हैं अगली बार उन्हीं कथनों से दूसरे टाइप से प्रश्न बनते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता है कि सेम प्रश्न रिपीट हो जाए, उन्हीं प्रश्नों से घुमा फिरा करके प्रश्न बना करके रिपीट किए जाते हैं, ठीक। और इस वजह से बहुत सारे लोगों का यहां पर गलत हो गया। ए इज द राइट आंसर, ओनली थ्री। फैकोलिथ लेंस शेप होता है, लेकिन लोपोलिथ ये सासर शेप है, लैकोलिथ ये डोम शेप है, ठीक है। लाइकोलिथ की अगर हम बात करें तो ये गुंबदाकार है, और लोपोलिथ ये सासर शेप होता है। दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। विथ रेफरेंस टू बैथोलिथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, बैथोलिथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इट इज अ ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक, या आग्नेय चट्टानों का बहुत बड़ा जमाव है। इट इज यूजुअली ग्रेनाइट, ये साधारणतः ग्रेनाइट होता है। दे आर मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, या सबसे ज्यादा प्राप्त होने वाले आंतरिक भू संरचनाएं हैं। विच, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड फ्रॉम द गिवन बिलो, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। कहां प्रश्न पूरा नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए आंसर करिए गाइस। यहां पर बहुत सारे लोगों का जो है आंसर वह
डेफिनेटली कहानी अलग होने वाली है। तो बहुत आसान सा है ये, और इतने आसान पर तो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोगों को करेक्ट आंसर चूज करना है। फॉलोइंग के बाद करेक्ट आंसर लिखा हुआ और कुछ नहीं यहां पर। चलिए आंसर आप लोगों को बताते हैं। डी इज द राइट आंसर, ट्रू लिखा हुआ, ट्रू, फॉलोइंग आर ट्रू लिखा हुआ, सत्य। यहां पर फॉलोइंग के बाद लिखा हुआ ट्रू, उसी को इसीलिए यहां लिख दिया करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग कोड, उसी को यहां लिख दिया। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, नीचे भी लाइन लिखी हुई है। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल डी जो है सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही है, सभी कथन सत्य। अगले सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रेजेंट इन मैग्मा, मैग्मा में निम्नलिखित में से कौन कौन सी गैसेस उपस्थित होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। यह तो डेफिनेटली आप में से सबका गलत होने वाला है, यह डेफिनेटली आप में से सबका गलत होने वाला है। यहां पर कहानी खराब होने वाली। यह तो बिल्कुल तय बात है कि इसमें बहुत सारे लोगों की कहानी खराब हो जाएगी। और जैसे ही मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों की कहानी खराब हो जाएगी, ए बी सी डी चारों ऑप्शन आ गए। अब किसी न किसी का तो सत्य होगा ही होगा, भाई चारों ऑप्शन लगा दिया है आप लोगों ने, तो मैं कोई भी उत्तर बताऊंगा किसी न किसी का तो सही होगा, है ना? कोई भी आंसर सही होगा इनमें से, आप में से ठीक किसी न किसी का सही होगा। जैसे ही मैंने कहा किसी का नहीं सही होगा, वैसे ही जो है आप लोगों ने चारों आंसर कर दिए, ए बी सी डी चारों हैं। तो चलिए आंसर बताते हैं आप लोगों को। खास बात समझिए, यहां पर मीथेन नहीं मिलेगा, मीथेन नहीं मिलेगा, बाकी सभी मिलेंगे। बी इज द राइट आंसर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ये सब रहते हैं, लेकिन मीथेन नहीं मिलेगा। बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर, डॉर्मेंट वोल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी आर वन ऑफ दैट have not erupted at all in historic times but retain feature of volcano। सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जो ऐतिहासिक काल से नहीं फटे हैं, पिछले 10,000 साल से नहीं फटे हैं, लेकिन अंदर हलचल हो रही है, उनके अंदर ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही है। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव volcano आर वन ऑफ विच erupt फ्रिक्वेंटली एंड erupted इन recent टाइम। सक्रिय ज्वालामुखी वो हैं जो लगातार फटते रहते हैं और हाल ही में उनमें विस्फोट हुआ है। ऑल वोल्केनोज पास थ्रू एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट स्टेज। सभी प्रकार के ज्वालामुखी सक्रिय, सुसुप्त और मृत अवस्था से होकर के गुजरते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग कोड्स, निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करें। यह कॉमन सेंस का प्रश्न है और कॉमन सेंस के प्रश्नों पर देखते हैं कि कितने लोगों का सही है। कमेंट फास्ट,
चलिए आंसर करिए गाइस। बेहद आसान सा सवाल था और बहुत सारे लोग इस सवाल में ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शब्द का ध्यान नहीं दिया। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो एक शब्द का ध्यान दीजिए, कहीं पर नाट तो नहीं लगा है। और इस नाट का ध्यान नहीं देने के कारण यहां पर लिखा हुआ है नॉट इरप्टेड एट ऑल इन हिस्टोरिक टाइम, ऐतिहासिक काल में कभी नहीं फटे, बिल्कुल गलत कथन है ये। बाकी दोनों सही है। सो सी इज द राइट आंसर, टू एंड थ्री ओनली। सी इज द राइट आंसर, टू एंड थ्री ओनली। प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ने पर यह होता है, इसलिए प्रश्नों को प्लीज ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। अगले सवाल पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स, कौन सा बहिर्जात भू संरचना है? जी हाँ, 10,000 सालों में फटा हो वो सक्रिय होता है। कोन यानी शंकु, डोम, गुंबद, डाइक, पाइरोक्लास्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम फॉलोइंग कोड्स, निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। यहां पर कौन सा बहिर्जात संरचना है? चलिए आप लोगों को आंसर बताते हैं। यहां पर कौन, यह लावा के जमाव से बनते हैं, क्रस्ट के बाहर बनेगा, शंकु बनेगा, सो पहला आंसर सही है। डोम, गुंबद, यह भी बाहर बनेगा, क्रस्ट पर बनेगा, बहिर्जात संरचना है, गुंबद बनेगा। डाइक, ये इंट्रूसिव है, ये नहीं होगा, ये एक्सक्लूसिव नहीं, इंट्रूसिव है। पाइरोक्लास्ट, जो विस्फोट है, धूल धुआं राख निकल करके जमाव लेती है, उसी को पाइरोक्लास्ट कहते हैं। सो एक दो चार यहां पर समझिए, सॉरी इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स को समझिए। यहां पर पाइरोक्लास्ट ये जमाव लेता है और डोम की कहानी इस तरीके से होती है। तो यहां पर इसको ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहानी हो जाएगी गलत, ठीक। यानी अगर हम देखें तो आंसर क्या हो गया, एक दो और चार, यहां पर डी में ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार है, एक तीन चार की जगह एक दो चार है। डी इज द राइट आंसर, एक दो चार, ठीक है, एक दो चार इज द राइट आंसर डी। यहां पर थोड़ा सा गलती है ऑप्शन में। अगले सवाल पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद गीजर, निम्नलिखित में से कौन गीजर से संबंधित है? इट इज एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिक रीजन, या ज्वालामुखी क्षेत्रों से संबंधित है। इट इज इमिटेड विथ एक्सप्लोजन, या विस्फोट के साथ बाहर आता है। बिल्कुल ऑप्शन की कहानी खराब होती। इट्स इमिशन इज ट्रिगर्ड ऑफ बाय गैसेस, इसका निकास गैसों के द्वारा संभव बनाया जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड, निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करें। चलिए निम्नलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करिए। गीजर से एसोसिएटेड चीजें कौन कौन सी है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? देखिए अगर हम बात करें गीजर की, अभी चर्चा में रहा था एक गीजर, क्योंकि
ओल्ड फेथफुल गीजर की अगर हम बात करें, वहां पर येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल एक्सेलसियर और भी तमाम सारे गीजर है, और वहां पर अभी एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई क्योंकि वह 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी होता है और उसमें वह गिर गया हुआ था घूमने के लिए, और उसमें एंट्री करने का प्रयास किया सेल्फी लेने के लिए कि हम अंदर जाकर के सेल्फी लेंगे, और उसी चक्कर में वह जाकर के गिर गया तो कहानी खत्म हो गई उसकी। यानी ये ज्वालामुखी क्षेत्रों से संबंधित हैं जहां पर ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक्सप्लोजन भी होता है, बिल्कुल सही बात है, और ये गैसेस, इनमें से गैसेस निकलती रहती हैं, जहरीली गैसेस का इमिशन भी होता रहता है। सो तीनों सही है, डी इज द राइट आंसर, तीनों कथन सही है, डी इज द राइट आंसर, तीनों कथन सही है। और ये करंट में न्यूज में रहा है, येलोस्टोन नेशनल पार्क का गीजर काफी चर्चा में रहा है, करंट में न्यूज में रहा येलोस्टोन नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन व्योमिंग स्टेट यूएसए, यूएसए के व्योमिंग प्रांत में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। वहां पर प्रमुख गीजर हैं ओल्ड फेथफुल, ओल्ड फेथफुल एंड एक्सेलसियर, ये दो प्रमुख गीजर हैं जो येलोस्टोन नेशनल पार्क में, तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक, यहां पर आज के लिए इतना ही। यहां पर एस्पायर सीडीएस 2 नाम से आपको सीडीएस 2 के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है। इसमें डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराए जाएंगे। और ठीक, समझ में आया, 1999 रुपए में ये है। नहीं, आजकल सेल्फी का प्रचलन इसलिए हो गया कि मनुष्य इतना अकेला हो गया ना, उसके पास फोटो खींचने के लिए भी आदमी नहीं बचा है, तो खुद ही फोटो खींचेगा, खुश हो जाएगा कि नहीं हमने अपनी फोटो खींची है, और दूसरे को बड़े प्रेम से दिखाएगा कि नहीं देखो हमने अपनी फोटो खुद खींची है। मतलब वो शर्म की बात है कि आपके पास फोटो खींचने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, ये बड़े शर्म की बात है कि आदमी इतना अकेला होता चला जा रहा है, उसके पास फोटो खींचने के लिए कोई व्यक्ति बचा नहीं है। सेल्फी या मनुष्य के अकेले होते जाने का संकेत है कि हमारे पास फोटो खींचने के लिए भी कोई बचा नहीं है। एस्पायर ओटीए 2021, ठीक, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है। यहां पर डेली लाइव क्लासेस चलाई जाती है, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाते हैं। वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप अकेले हैं, बिल्कुल निपट अकेले दुनिया में। ठीक, जैसे अगर हम बात करें कुमार विश्वास साहब के शब्दों में कहें, कुमार विश्वास साहब आधुनिक के बड़े कवि, आदरणीय हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, और कुमार विश्वास साहब के शब्दों में अगर हम कहें तो निपट अकेले दुनिया में लोग हो जाते हैं, तो उनसे सेल्फी ही मांगी जा सकती है। उनको, लोगों, सामने वाले को भी पता चल जाता है कि नहीं ये फोटो नहीं दे सकता, इसके पास फोटो खींचने के लिए भी आदमी नहीं है, तो उससे जो है सेल्फी मांग ली जाती है। ऐसे लोगों के साथ ये होता है। ठीक, 1499 इसकी प्राइस है, सिर्फ 1499। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.examfor.com पर जाइए, या आप हमें, आप कॉल कर सकते हैं 9873111552 पर, या आप हमें व्हाट्सअप करें 8448116245 पर। आप हमें YouTube, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम कहीं पर भी फॉलो करें। मैं डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह आप लोगों को शाम को 6 बजे NCERT का अप टू द UPSC मार्क क्लास लेकर के आ रहा हूँ। 11th क्लास की NCERT से शुरुआत की गई है, शाम को 6 बजे NCERT के सेशन में मिलते हैं, बहुत डीप में करते हैं NCERT को। आज के लिए इतना ही, 6 बजे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद ऑफिसर्स।